कटिहार नगर के मेयर की कुर्सी के लिए हुई जंग में वार्ड संख्या 16 के पार्षद शिवराज पासवान ने अपना कब्जा जमा लिया है। उन्होंने निर्विरोध कटिहार मेयर पद के लिए जीत हासिल की है। कटिहार समाहरणालय में बुधवार को मेयर पद के लिए हुए चुनाव में 45 वार्ड पार्षदों में से 43 ने शिवराज पासवान को वोट किया, जिसमें महिला पार्षदों ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए शिवराज पासवान को कटिहार नगर निगम के चुनाव में निर्विरोध जीत दिलाई और मेयर पद पर बिठाया। बता दें कि 33 नंबर के वार्ड पार्षद विजय सिंह के जेडीयू से विधायक चुने जाने के बाद कटिहार मेयर का पद खाली हुआ था। वहीं मेयर बनने के बाद वार्ड पार्षद शिवराज पासवान ने खुशी जाहिर करते हुए 43 वार्ड पार्षदों को सबसे पहले तो बधाई दी। उसके बाद उन्होंने कहा कि सभी वार्ड पार्षदों ने शहर के विकास के लिए उनको चुना है, इसके लिए वार्ड पार्षदों का आभार और आगे के दिनों में कटिहार के विकास के लिए सभी पार्षद साथ मिलकर काम करेंगे ताकि काम तेज गति से हो सके। बिल्कुल छोटा कार्यकाल के समय लेकर कोई कार्यकाल छोटा नहीं होता, काम को शुरुआत सही ढंग से कर दीजिएगा तो सर आपका काम से खुश होगा। सर हम लोग सारे पार्षद जो है मिलके काम करेंगे, छोटा कुछ नहीं होता है, ना इंसान छोटा ना होता है ना काम छोटा होता है, काम करने के लिए चाहिए, काम हम लोग करेंगे निश्चित रूप से। शहर में जो भी काम है काम हम लोग सब मिलके 43 जो है पार्षदों ने भाग लिया, निर्विरोध हुए है और सभी पार्षद सहमति से हुए है, सभी का आभार प्रकट करते हैं। प्राथमिकता जो शहर में जो समस्या है उसको जरूर हम लोग दूर करने का काम करेंगे और सभी पार्षद मिलकर जो है तुरंत जो है सब मिलकर काम करेंगे। मेयर चुनाव का परिणाम आने के बाद शिवराज के समर्थकों ने बाहर निकलने पर गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया और फूल माला पहनाकर उनको बधाइयां दी। इधर मेयर चुनाव के दौरान सुरक्षा के लिए व्यापक व्यवस्था देखने को मिली, मौके पर धारा 144 लागू की गई थी। साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर समाहरणालय कक्ष के पास पुलिस बल के साथ मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई थी ताकि चुनाव में किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना न घटे। टाइम्स न्यूज़ डेस्क कटिहार।